Hello students, in this video we will continue further with solid state. Okay, in the previous video we had started off with building of three dimensional models, three dimensional crystal structures. हमने ये देखा था कि पहले तो आप एक लाइन बनाते हो, फिर आप एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन अरेंज करते हो, तो टू डायमेंशनल आप अरेंजमेंट क्रिएट करते हो, एंड टू डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिएट करने के बाद आप एक के ऊपर एक एक लेयर रखते जाते हो, सो व्हाट यू गेट इज अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. ओके, नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑल्सो सीन दैट हाउ डू यू प्रोड्यूस SCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू प्रिपेयर BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर. नाउ BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए वापस व्हाट वुड यू डू इज, पहले तो आप एक लाइन में एटम्स को अरेंज करोगे. अच्छा, अब सेकेंड लाइन जो एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन के नीचे आप रखोगे, तो ये हमें पता ही है इनएफिशिएंट पैकिंग है, बट वी आर स्टिल डूइंग इट क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. हाँ, नाउ ये एक लेयर आपकी बन गई. नाउ हमने SCC जब हम लोग कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि आप सेकेंड लेयर जो है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते जाओगे. बट अब हमारे पास और एक पॉसिबिलिटी है ना, ये जो फर्स्ट लेयर के अंदर से ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, जैसे यहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, यहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, यहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, आप इस डिप्रेशन के अंदर भी तो सेकेंड लेयर रख सकते हो. यहां पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, यहां पे ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, यहां पे ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? तो आप इस तरह से ये सेकेंड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में रख सकते हो. अच्छा, हाँ, ऐसा करने पे अब क्या होता है पता है? अब सेकेंड लेयर के, अब जब थर्ड लेयर रखने की बारी आती है तो ये जो सेकेंड लेयर के डिप्रेशन है, आप उन सेकेंड लेयर के डिप्रेशन में थर्ड लेयर रखोगे. तो अब जब इस डिप्रेशन में थर्ड लेयर रखते हो तो व्हाट यू रियलाइज इज कि ये जो थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आती है. यहां पे भी एक डिप्रेशन है, आप इस डिप्रेशन के ऊपर अगर जो रखोगे तो ये बॉल जो है ब्लू कलर का बॉल है, नीचे जो ब्लैक कलर का बॉल था फर्स्ट लेयर का उसके एग्जैक्टली वो ऊपर आता है. तो इस केस में क्या होगा कि अगर जो आप सबसे नीचे वाली जो लेयर है उस लेयर को आप ए नाम दोगे, तो ये जो रेड वाली लेयर है यू कैनॉट गिव इट ए क्योंकि ये फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जा रही है ना, ये एग्जैक्टली ब्लैक बॉल्स के ऊपर रेड कलर के बॉल्स नहीं आ रहे. सो दिस विल बिकम योर लेयर बी, एंड बिकॉज दिस बिकम्स योर लेयर बी, इसके ऊपर जो ब्लू कलर की लेयर आ रही है वो एग्जैक्टली ब्लैक के ऊपर आ रही है, तो आई ऑल्सो कॉल दिस एज ए. सो नाउ दिस विल बिकम योर AB स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस. नाउ इफ यू इमेजिन, अगर जो आप इमेजिन कर पाते हो तो ये इमेजिन ये कैसे होगा कि ये मान लो रेड वाला बॉल जो है, सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द ब्लैक देयर, 1 2 3 4. ओके, अब इस ब्लैक लेयर के डिप्रेशन में, जो ये सबसे नीचे वाली लेयर है इसके डिप्रेशन में हम लोगों ने ये रेड कलर का बॉल रखा हुआ है. सो व्हाट यू रियलाइज ओवर हियर इज ये जो रेड बॉल है ये साइमल्टेनियसली 1 2 3 एंड 4 चार बॉल्स को उसके नीचे वाले लेयर में टच कर रहा है, इसके नीचे वाले लेयर में ये जो चार ब्लैक बॉल्स है ये उनको टच कर रहा है. अब हमें ये भी पता है कि इसके ऊपर जब ये रेड लेयर के ऊपर आप ब्लू कलर की लेयर रखते हो तो ये एग्जैक्टली ब्लैक के ऊपर ही आती है, तो ये इस तरह से आएगी 1 2 3 4. सो यू कैन सी दैट नाउ दिस रेड बॉल इज ऑल्सो टचिंग 4 ब्लू बॉल्स. सो साइमल्टेनियसली दिस रेड बॉल, एनी बॉल इज टचिंग 8 बॉल्स, 4 इन द लेयर अबव इट, 4 इन द लेयर बिलो इट. ओके, सो यहां पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 8. आई कैन से अब स्पीयर टचेस 4 स्पीयर्स इन द लेयर अबव इट, लेयर अबव इट
एंड फोर स्पीयर्स इन द देयर प्रिजर्वेड। ओके, फोर स्पीयर्स इन द देयर प्रिजर्वेड। नाउ ये किस तरह का, अगर जो अब आप ये जो ऊपर वाले लेयर के ब्लू बॉल्स है इनके सेंटर्स को अगर जो आप ज्वाइन करो, इनके नीचे जो ब्लैक बॉल्स है फर्स्ट लेयर के उनके सेंटर्स को आप ज्वाइन करो तो आपको इस तरह से क्यूब मिलेगा, गेट अ क्यूब। ओके, आपको इस तरह से क्यूब मिलेगा। नाउ ये जो ऊपर वाले चार बॉल्स है एंड नीचे वाले चार बॉल्स है दे आर नॉट बेसिकली टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। सो ये जो बॉल्स है, ये ऊपर वाले लेयर के चार ब्लू बॉल्स 1 2 3 4 एंड नीचे वाले लेयर के चार बॉल्स 1 2 3 4, ये सारे बॉल्स टच किसको कर रहे हैं, रेड कलर का जो बॉल है ये उसको टच कर रहा है। एंड ये रेड कलर का बॉल ये इस क्यूब के बीच में होगा, तो यहां पर मैं ये मैं ये इस तरह से बनाता हूं। So, ये जो दो अपोजिट कॉर्नर्स है इन कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर आइटम्स ये इसको टच कर रहे हैं, वैसे ये और ये भी इसको टच कर रहे होंगे। मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ये डायग्राम बहुत मेसी हो जाएगा, बट ये एंड ये भी इसको टच कर रहे होंगे, ये एंड ये भी इसको टच कर रहे होंगे, एंड ये भी इसको टच कर रहे होंगे। सो नाउ इफ यू सी दिस इज नथिंग बट योर बीसीसी स्ट्रक्चर, राइट, ये हो गया आपका बीसीसी स्ट्रक्चर। नाउ बीसीसी स्ट्रक्चर में हमें ये पता ही है कि ये जो डिस्टेंस होता है दिस बिकम्स योर बॉडी डायगोनल विच इज √3 टाइम्स ए, दिस इज इक्वल टू 4r। नाउ यहां पे नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, ये जो बॉल है ये इसको टच कर रहा है ना, इस बॉल को टच कर रहा है, तो ये इनका, ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन द टू बॉल्स। सो लेट मी राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। सो सबसे पहले नियरेस्ट नेबर्स, आठ होंगे, देर विल बी 8 नियरेस्ट नेबर्स। अच्छा, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ विल बी इक्वल टू बॉडी डायगोनल का ये हाफ हुआ ना, दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, सो दिस बिकम्स √3a/2, दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/2। ओके, अब उसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, इसके क्लोजेस्ट जो है। अब हम लोग बस दो ही करेंगे, नियरेस्ट नेबर्स एंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स यू कैन लुक एट इट टू वेज, ये जो क्यूब के सेंटर में एटम है ये इसके लिए क्लोजेस्ट एटम्स हो गए, ये जो क्यूब के कॉर्नर्स पे है वो इसके लिए क्लोजेस्ट एटम्स है क्योंकि ये इन सबको टच कर रहा है। अब इसके लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा एंड उसके भी सेंटर पे एक एटम होगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर, ये वापस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, सो यू हैव, लेट सी, ये क्यूब इमेजिन करो, ये क्यूब आप इमेजिन करो, इस क्यूब के सेंटर में एक एटम है, हाँ, इस क्यूब के ऊपर ये वाला क्यूब है उसके भी सेंटर पे एक एटम है, तो अब इस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी a/2 एंड दिस विल अगेन बी इक्वल टू a/2, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा a। यू कैन ऑल्सो कंसिडर a दिस वे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हुआ a, सो ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स हो गए। सो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स ऐसे कितने होंगे, तो इस क्यूब को जुड़े हुए और कितने क्यूब्स होंगे, इस स्पेस के ऊपर एक क्यूब होगा, यहां पे एक क्यूब होगा, इस स्पेस के नीचे एक क्यूब होगा, इस स्पेस के ये साइड पे एक क्यूब होगा, एक आगे वाले साइड पे होगा और एक पीछे वाले साइड पे होगा। सो यू हैव 6 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, 6 एंड दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, एंड दिस बिकम्स योर बीसीसी स्ट्रक्चर।
सो एससीसी एंड बीसीसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए टू डायमेंशंस में हमें स्क्वायर पैकिंग की जरूरत पड़ती है। ये आपकी टू डायमेंशंस के अंदर ये स्क्वायर पैकिंग है एंड हमें ये स्क्वायर पैकिंग की जरूरत पड़ती है। सो लेट मी राइट दिस ओवर हियर, बीसीसी एंड एससीसी आर प्रिपेयर्ड यूजिंग स्क्वायर पैकिंग इन टू डायमेंशंस, स्क्वायर पैकिंग इन टू डायमेंशंस। अब हमें ये पता है ये जो है ये इनएफिशियंट पैकिंग है, इट इज नॉट अ वेरी एफिशियंट पैकिंग, ये इनएफिशियंट पैकिंग है ना। ओके ओके, इसलिए एससीसी में आपको 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आ रही थी, बीसीसी में ये 68% के आसपास पैकिंग एफिशिएंसी आ रही थी, बट वही एफसीसी स्ट्रक्चर जो था उसमें 74% पैकिंग एफिशिएंसी आ रही थी विच वॉज वेरी वेरी हाई, या हेक्सागोनल डोज पैकिंग इवन इट हैड अ 74% एफिशिएंसी। सो हमें ये पता है कि अगर जब स्क्वायर पैकिंग यूज करते हो टू डायमेंशंस में स्क्वायर पैकिंग, तो आपको इनएफिशिएंट पैकिंग मिलती है। नाउ वी विल सी व्हाट वुड हैपन इफ यू स्टार्ट ऑफ विथ हेक्सागोनल पैकिंग इन टू डायमेंशंस। ओके, सो इट इज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस, using hexagonal packing in two dimensions. So अब two dimensions में हमें वो hexagonal packing कैसे मिलती है? One, two, three, five, six, seven, eight, nine, ten. सेकेंड लेयर जो है, सेकेंड लाइन जो है हम लोग फर्स्ट लाइन के डिप्रेशन में रखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैड सीन। ओके, दिस इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग इन टू डायमेंशंस, दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग इन टू डायमेंशंस। ओके, अब हमें ये टू डायमेंशन पैकिंग हो गई है। नाउ व्हेन यू वांट टू कीप द लेयर अबव दिस, ये तो टू डायमेंशंस में हुआ, अब आपको इसके ऊपर लेयर रखती जानी है। तो जो नेक्स्ट लेयर है, जैसे हमने यहां पे देखा कि फर्स्ट लाइन रखी, तो इसके डिप्रेशंस में हमने रेड कलर के बॉल्स फिक्स किए, एंड रेड कलर के बॉल्स के डिप्रेशन में फिर हम लोगों ने वापस ये ब्लैक कलर के बॉल्स फिक्स किए। तो बाय द सेम लॉजिक जब आप सेकेंड लेयर रखते हो, तो सेकेंड लेयर आप इसी तरह से रखोगे कि इसके जो डिप्रेशंस है वो डिप्रेशंस ऑक्यूपाई हो जाए। तो इसके ऊपर वाली लेयर ऐसी होगी, ये यहां पे आप रखोगे, फिर ये हुआ, इसके बाद यू विल डू दिस, यू विल डू दिस, ओके, यू विल डू दिस, यू विल डू दिस। नाउ व्हेन यू डू दिस व्हाट इज हैपनिंग इज, ये देखो ये जो यहां पे डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन ऑक्यूपाई हो गया, बट यहां पे जो डिप्रेशन था वो डिप्रेशन ऑक्यूपाई ही नहीं हुआ, दैट डिप्रेशन डिड नॉट गेट ऑक्यूपाइड। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू कीप द सेकेंड लेयर, हाफ ऑफ द वॉइड्स इस डिप्रेशन या इस गैप को वॉइड कहते हैं। सो से फॉर एग्जांपल एक दो एंड तीन, अगर जो आप ये तीन बॉल्स देखो, वन टू एंड थ्री, इनके बीच में ये ट्राइंगुलर वॉइड क्रिएट हो रहा है, यहां पर ये गैप क्रिएट हो रही है, ये जैसे आपको यहां पर दिखाई देगी। ओके, जब आप ये तीन बॉल्स को रखते हो तो ये जो बीच में गैप क्रिएट हो रही है, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल जैसी दिखाई दे रही है ना, ये देखो ये ट्रायंगल जैसी दिखाई दे रही है। सो दिस बिकम्स योर ट्रायंगुलर वॉइड, एंड इस ट्रायंगुलर वॉइड पे आप फिर ऊपर वाला नया लेयर जो है, न्यू बॉल, यू कीप इट ओवर दिस। ओके, सो इस तरह से व्हेन यू कीप द सेकेंड लेयर, व्हाट हैपेंस इज हाफ ऑफ द वॉइड्स voids of first layer get occupied,
ओके, हाफ ऑफ द वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर गेट ऑक्यूपाइड. ओके, लेट मी गिव यू, लेट मी ड्रॉ दिस बिग. ओके, थोड़ा इसको मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई आपकी बेस लेयर. ओके, लेट से दिस इज योर बेस लेयर. हाँ, इस बेस लेयर के ऊपर जब आप सेकेंड लेयर रखते हो तो ये सारे आपके वॉइड्स हैं. 1, 2, 3, दीज ऑल आर आर वॉइड्स. ये सारे वॉइड्स हो गए. अब इसके ऊपर जब आप सेकेंड लेयर रखते हो तो ये सेकेंड लेयर रखोगे तो ये कैसे होगा. लेट से आप इस डिप्रेशन में ये सेकेंड बॉल को रखते हो. 1, 2, तो व्हेन यू कीप दिस बॉल, दिस नाउ सी ओवर हियर, ये वाला जो वॉइड था एंड ये वाला जो वॉइड था एंड यहां पे जो वॉइड था वो भर गया है क्योंकि इनके ऊपर बॉल आ गए. बट यहां पे जो वॉइड है ये गैप है, ये अभी भी एज इट इज है ना. यू हैव दिस गैप विच इज एज इट इज, दिस इज ऑल्सो अ वॉइड. समझ में आया आपको. ओके, लेट मी ड्रॉ फ्यू मोर बॉल्स ओवर हियर. सो ये यहां पे ये बॉल इस तरह से होगा तो ये वॉइड भी भर जाएगा. इवन दिस वॉइड विल गेट फिल्ड. यहां पे ये बॉल इस तरह से होगा, दिस विल गेट फिल्ड. ओके, सो व्हाट यू वुड फाइंड इज कि जब आप बॉल्स रखते हो सेकेंड लेयर में तो आधे वॉइड्स भर जाते हैं, ये 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 और ये. बट ये नीचे वाले जो वॉइड्स है या ये जो अल्टरनेट वॉइड्स है दे रिमेन एज इट इज, वो एज इट इज क्योंकि उनके ऊपर बॉल नहीं आ रहा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज ये वाला जो वॉइड है, इफ यू लुक एट दिस वॉइड जो अब तक भरा हुआ नहीं है, तो दिस वॉइड इज नाउ सराउंडेड बाय 6 स्पीयर्स. दिस इज सराउंडेड बाय 1, 2 एंड 3, 3 रेड स्पीयर्स. एंड दिस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ब्लैक 1, 2 एंड 3, 3 ब्लैक स्पीयर्स. सो बेसिकली पहले तो ऐसे था ना, ये 3 ब्लैक स्पीयर्स थे. ओके, बेस वाले, उनसे ये वॉइड क्रिएट हुआ. एंड इसके ऊपर फिर हम लोगों ने रेड स्पीयर्स रखे, बट उसके बावजूद ये वॉइड नहीं भरा. ये पूरी तरह से भर गया, ये पूरी तरह से भर गया, बट यहां पे फिर भी अभी भी गैप रह गई है. सो दिस वॉइड इट इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर्स. लेट मी राइट दिस, बाय 6 स्पीयर्स. ऐसे वॉइड को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इट बिकम्स योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, फाइन. नीचे ये मैं और कुछ आइटम्स बनाता हूं ताकि हमें अब आगे इसका यूज हो. नाउ अब जो आपकी नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है, ये जो भी वॉइड्स है जो अब तक भरे हुए नहीं है, ये जैसे भरा हुआ नहीं है, ये वॉइड भरा हुआ नहीं है, उसके बाद ये वाला वॉइड भरा हुआ नहीं है, ये वाला वॉइड भरा हुआ नहीं है, दिस इज एम्प्टी. सो ये सारे जो एम्प्टी वॉइड्स है, ये जो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आप थर्ड लेयर रख सकते हो. सो आप बेसिकली ये जो बॉल है ये इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख सकते हो. ओके, थर्ड स्पीयर. सो इफ यू कीप इट ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हाट वुड हैपन इज, आप देखो ना, अगर जो मान लो यहां पे आप एक थर्ड स्पीयर रख देते हो, इफ यू कीप अ थर्ड स्पीयर ओवर हियर, यू कैन सी दैट दिस थर्ड स्पीयर इट इज नॉट एग्जैक्टली अबव द ब्लैक स्पीयर, इट इज नॉट ऑल्सो एग्जैक्टली अबव द रेड स्पीयर. सो ऐसे केस में लेट मी राइट दिस, व्हेन द थर्ड लेयर इज केप्ट
अबव द ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन, आप अगर जो नीचे के लेयर को ए कहोगे, ये तो ये रेड बॉल वाली लेयर अलग हो गई ना क्योंकि ये ब्लैक बॉल्स के ऊपर नहीं आ रही है, सो दिस बिकम्स बी, एंड ये ब्लू बॉल वाली लेयर भी अलग हो गई क्योंकि ना ही ये रेड ब्लैक के ऊपर आ रही है और ना ही ये एग्जैक्टली रेड के ऊपर आ रही है, सो दिस बिकम्स योर लेयर सी. सो नाउ दिस बिकम्स ए बी सी, ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग. इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग. पैकिंग विच इज सी सी पी, एंड सी सी पी का और एक नाम जो होता है दैट इज एफ सी सी. दिस इज सेम एज एफ सी सी, एफ सी सी स्ट्रक्चर. ओके, सी सी पी सेम एज एफ सी सी स्ट्रक्चर. एफ सी सी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एफ सी सी स्ट्रक्चर में ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, दीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड. सो थर्ड देयर इज केप्ट ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ओके, इज दिस फाइन? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज 6 बिकॉज एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 3 and 3, 6 स्पीयर सराउंडेड. ओके, अब अगर जो मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो व्हाट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर. द कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट. कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली हाउ मेनी नियरेस्ट एटम्स आर देयर. ओके फाइन, सो लेट्स डू दैट नाउ. सो यहां पे ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने हेक्सागोनल पैकिंग इन टू डायमेंशंस का यूज किया था. नाउ इफ यू लुक एट दिस, एवरी एटम ओवर हियर इट इज सराउंडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एटम्स. सो एवरी एटम इज टचिंग 6 अदर एटम्स इन द सेम लेयर. इट विल टच 3 एटम्स इन द लेयर अबव इट एंड इट विल टच 3 एटम्स इन द लेयर बिलो इट. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. Every atom touches 6 atoms in the same layer three atoms above it and 3 below it. So total हर एक एटम 12 और एटम्स को टच कर रहा है, सो देयर फॉर योर कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स इक्वल टू 6. एंड ये हो गई आपकी एफसीसी पैकिंग. ठीक है, सो आपको एफसीसी पैकिंग कब मिलती है, जब योर थर्ड देयर इज केप्ट अबव द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर्स. ओके, नाउ देयर इज अनादर पॉसिबिलिटी. अनादर पॉसिबिलिटी क्या है पता है, कि ये जो रेड कलर के स्पीयर्स है, ये जो रेड कलर के स्पीयर्स है, ये यहां पे एक वॉइड क्रिएट कर रहा है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, बट यहां पे ये और एक छोटा वॉइड क्रिएट कर रहा है. एंड इफ यू लुक एट दिस वॉइड इज नाउ सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स, 1, 2 and 3, 3 रेड स्पीयर्स. एंड इसी के नीचे ये आपको दिख रहा है ब्लैक स्पीयर एक है, ये इसके नीचे वॉइड के नीचे ब्लैक स्फीयर है. तो इस तरह का जो वॉइड होता है, इस वॉइड को कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड. एंड ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिस टेट्राहेड्रल वॉइड इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर. बाय 4 स्फीयर्स. ओके ठीक है, सो यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड. मैं ना आपको और एक वीडियो भेजूंगा विच विल हैव अ 3 डायमेंशनल पिक्चराइजेशन ऑफ दिस, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए. तो यहां पे ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स. तो
थर्ड लेयर जब आप रखते हो ये ब्लू कलर के बॉल्स जब आप प्लेस करते हो, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि आप इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रखो, एंड जब आप इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रखते हो तो आपको एबीसी टाइप पैकिंग मिलती है, दैट इज योर एफसीसी स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज आप इनको ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पे रख सकते हो। सो इफ यू कीप योर थर्ड लेयर ऑन दिस टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उस पर अगर जो आप आपकी थर्ड लेयर रखते हो, तो यू वुड रियलाइज कि ये जो थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली नीचे जो ब्लैक लेयर है उसके ऊपर आ रही है। सो लेट मी राइट दिस नाउ। When the third layer is placed on the tetrahedral voids, then what I can say is, अगर जो मैं नीचे के लेयर को ए कहता हूं, इस लेयर को बी कहता हूं, तो ये वाला जो ब्लू बॉल है ये एग्जैक्टली ब्लैक बॉल के ऊपर आ रहा है, तो देन दैट विल अगेन बिकम योर लेयर ए। ऐसे पैकिंग को हम लोग कहते हैं, देन दिस बिकम्स ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको कहा जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। जैसे हमने FCC में देखा कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, उसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के अंदर भी जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 12। ओके, आपको ये याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, ओके, एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स, और इट इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहां पे भी जो पैकिंग एफिशियंसी होती है वो सेम होती है, पैकिंग एफिशियंसी, दिस पैकिंग एफिशियंसी इज इक्वल टू 74%। FCC में भी 74% थी, इसलिए आप वर्ड जो यूज करते हो दैट इज क्लोज्ड पैकिंग, क्योंकि ये बेस्ट पैकिंग है। सिंपल क्यूब या बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए आप क्लोज्ड पैकिंग ये वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि दैट इज नॉट द क्लोजेस्ट पैकिंग, बट दिस बिकम्स योर क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, ओके, नाउ आई विल शो यू द डायग्राम्स। एक काम करते हैं, पहले FCC का डायग्राम बनाते हैं। सो FCC स्ट्रक्चर का जो डायग्राम होता है ये आपको पता ही है, ये ऐसे होता है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नाउ दिस इज टचिंग 4 एटम्स ओवर हियर। ये जो ये फेस सेंटर वाला जो एटम होता है, इट इज टचिंग 1, 2, 3, 4, इट इज टचिंग 4 एटम्स ओवर हियर। ओके, फाइन। यहां पे हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये रिलेशनशिप क्या होती है, दिस रिलेशनशिप इज 4R इज इक्वल टू √2 × A। दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज वॉट वी हैड ऑलरेडी प्रीवियसली सीन। मैं आपको NCERT बुक से आप डायग्राम्स बताता हूं, ताकि आपको ये और अच्छे से विजुअलाइज होगा। सो यहां से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू सी ओवर हियर, ये जो डार्क वाली लेयर है दैट इज योर बेस लेयर, वो सबसे नीचे वाली लेयर है। इस नीचे वाली लेयर के ऊपर जब आप ये डॉटेड लाइन वाली लेयर्स रखते हो, तो क्या होता है कि ये जो टी से दिखे हुए सारे वॉइड्स है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ये आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे दिखाई देंगे कि आप अगर जो पीछे वाले साइड से देखोगे, तो इस टी के पीछे वाले साइड से आपको क्या दिखाई देगा कि दिस गैप इज क्रिएटेड, इट सराउंडेड बाय 4 एटम्स, 1, 2, 3, एंड देन ये डॉटेड लाइन जो है 4। सो दिस गैप इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स, यहां पर मैं ये मार्क करता हूं। बट इफ यू लुक एट दिस गैप ओवर हियर, यहां पे ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है
इट इज सराउंडेड बाय वन टू एंड थ्री एटम्स इन दिस स्फीयर एंड वन टू एंड ये नीचे वाले जो डार्क बॉल्स है सराउंडेड बाय थ्री मोर एटम्स. सो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉल्ड. सो अब आप थर्ड स्फीयर एग्जैक्टली कहाँ पे रखते हो दैट विल डिटरमाइन कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा. इफ यू कीप थर्ड स्फीयर ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड्स देन यू वुड गेट ए बी टाइप ऑफ पैकिंग जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जो ऐसे दिखती है. दिस बिकम्स योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ओके सो यहाँ पे यू हैव सिक्स एटम्स इन दिस स्फीयर, थ्री एटम्स ओवर हियर एंड सिक्स एटम्स ओवर हियर एंड दिस इज योर क्यूबिक क्लोज पैकिंग दैट इज FCC. आप देख रहे हो ये बड़ा एक क्यूब है तो हर एक फेस के सेंटर पे. सो आई होप ये आपको समझ में आया. दिस इज योर FCC क्रिस्टल दैट इज दिस इज योर HCP. FCC के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोस नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू 4. ये हम लोगों ने डिराइव किया था. ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है वहां पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड तीन जो एटम्स होते हैं वो तीन एटम्स इनके बीच में होते हैं 1, 2 एंड 3. हाँ ये जो तीनों एटम्स होते हैं ये जो बड़ा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हेक्सागोनल सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है ये तीनों एटम्स इसके अंदर होते हैं तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन पूरा होता है 1, 1, 1 एंड बाकी ये जो कॉर्नर एटम्स होते हैं दीज कॉर्नर एटम्स आर पार्ट ऑफ 3 hexagons. 1 एक यहां से एक बनेगा एक यहां से बनेगा और एक ये ऐसा. सो बेसिकली एवरी कॉर्नर एटम हैज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/3. हर एक कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/3. तो ऐसे कॉर्नर एटम्स कितने हो गए 6 and 6 = 12. सॉरी 1/4 ये इट इज शेयर्ड बाय 4 स्ट्रक्चर. सो 12 into 1/4 + 3 into हर एक का कंट्रीब्यूशन 1. सो 12/4 दिस इज इक्वल टू 3 + 3 दिस इज इक्वल टू 6. सो नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यूनिट सेल दिस इज इक्वल टू 6. ये याद रखना हर एक इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/6 होता है. ओके ये कॉर्नर यहां पे आप एक इमेजिन करो एक आप यहां पे इमेजिन करो ये आगे की तरफ है ये एक आगे की तरफ है एंड सिमिलरली एक इसके ऊपर होगा. ओके तो इस तरह से ये जो है इट इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स तो कंट्रीब्यूशन इसका 1/4 होगा कॉर्नर एटम्स का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मैं आपको और एक लिंक भेजूंगा विच हैज अ 3-dimensional graphics तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए.